हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो लोग जो बिगनर्स होते हैं सिलाई की प्रैक्टिस कैसे करें, या फिर वो लोग जो सिलाई सीखना चाहते हैं लेकिन सिलाई मशीन चलानी नहीं आती। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी सिलाई मशीन चलाना नहीं आता है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें शुरू शुरू में मशीन चलाने में बड़ी घबराहट होती है। मशीन को सीधा चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन मशीन उल्टी चल जाती है। तो इसके लिए मशीन में बिना धागा फिट करें खाली मशीन को बार बार चला करके देखना है। तो इस तरह से खाली मशीन को आपको चला करके देखना है, आराम से चलाना है, मशीन उल्टी ना घूमे, और मशीन को बार बार चला करके देखना है, मशीन के चक्के को रोक रोक के सीधा घुमा करके चलाना है। इससे मशीन चलाने में जो घबराहट आती है वो दूर होगी, और इस तरह मशीन को बार बार चला के देखने से जो आपकी मशीन की चक्री है वो सीधी चलेगी। और ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको थोड़ी बहुत मशीन चलानी आती है लेकिन कपड़े पे सिलाई जो है वो सीधी नहीं आती। तो कहने का मतलब है कि जो बिगनर्स होते हैं उनके साथ हमेशा ये दिक्कत आती है कि कपड़े पर जहाँ वो सिलाई चलाना चाहते हैं मशीन की सुई वहाँ पर चलने के बजाय दूसरी जगह चल जाती है, या फिर सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपकी ये समस्या प्रैक्टिस से दूर हो सकती है, इसके लिए आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए पेपर पे सीधा सीधा लाइन खींच लें और उस पर सिलाई चला करके देखें। तो फ्रेंड्स, बिना धागे के इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से सीधा सिलते जाना है और लाइन के बीचों बीच सिलना है, इस तरह से लाइन के बीचों बीच सिलना है। इस तरह से सिलने से मशीन को सीधा चलाने की प्रैक्टिस होगी। तो इसी प्रकार सिलते जाएं। इसी तरह से आपको पेपर पे आपको इसे पूरा सिल के भर देना है। चार पांच दिन इस तरह से पेपर पर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको मशीन चलाना आ जाएगा। पेपर पर प्रैक्टिस पूरी हो जाए उसके बाद कपड़े पर प्रैक्टिस कीजिए। तो सिलाई करने से पहले आपको बेसिक तो पता ही होंगे, जैसे बॉबिन में धागा कैसे भरना है और मशीन में धागे को कैसे फिट करना है। तो चलिए मैं आपको कपड़े पर बताती हूँ कि इसको किस तरह से मोड़ना है और कैसे सिलना है। तो चलिए मैं आपको कपड़े पे सिल के बताती हूँ। इसके लिए आपको एक कपड़ा लेना है, इस तरह से एक कपड़ा ले लें और उसको एक बार मोड़ लें, इस तरह से कपड़े को मोड़ लें और उस पर सीधी सिलाई चला के देखना है, इस तरह से सीधा सिलाई चलाना है। पूरा सिलाई चलाने के बाद एक बार फिर से कपड़े को मोड़ लें, इस तरह से एक बार फिर से कपड़े को मोड़ लें और उस पर फिर से सिलाई चला करके देखें। इस तरह से सीधा सिलाई चलाना है। अब कपड़े को डबल मोड़कर सिलाई चलाना है। तो इस तरह से कपड़े को डबल मोड़ लें और उस पर सिलाई चला करके देखें। तो कपड़े को पतला ही मोड़ें और सिलाई जो है वो किनारे पर ही लगाएं। इस तरह से किनारे पर सिलाई चलाना है, क्योंकि साड़ी की किनारी भी इसी तरह से मोड़ी जाती है,
तो इस तरह से मोड़कर किनारे पर सिलाई चला लें। इसके अलावा आप घर के पर्दे सिल सकते हैं, थैला सिल सकते हैं या फटा पुराना कपड़ा सिल के भी आप अपनी सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी काम में परफेक्ट होने के लिए थोड़ा वक्त लगता ही है, तो प्रैक्टिस करने से आप भी सिलाई में परफेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।